I'm Shakib and this is Master Tech. So आज हम करने जा रहे हैं कैमरा कंपैरिजन Asus के Zenfone Max Pro M1 के साथ में है, जो कि है 6GB वेरिएंट, और हम Xiaomi का Redmi Note 5 Pro भी है हमारे पास. तो आइए हम कंपेयर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं Asus के कैमरा स्पेसिफिकेशन बता देना चाहता हूँ. यहाँ पर 16+5 मेगापिक्सल का आपको रेयर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं अगर फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो आपको 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है, और अगर Redmi Note 5 Pro की बात करें तो रेयर कैमरा 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और फ्रंट कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल का मिल जाता है. दोनों में ही सेम प्रोसेसर है, 636 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, बट यहाँ पर Asus 6GB रैम के साथ में आता है और Redmi Note 5 Pro है वो 4GB रैम के साथ में आता है. दोनों का प्राइस सेम है. अगर आप इन दोनों फ़ोन में कन्फ्यूज़ हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो. यहाँ पर आपको दोनों का साइड बाई साइड कंपेरिजन मिल जाएगा. दोनों की कैमरा क्वालिटी यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ. ये जो स्पीकर है गूगल होम मिनी, आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा दोनों के बीच में. यहाँ पर Redmi Note 5 Pro में काफ़ी अच्छा नेचुरल कलर आ रहा है, वहीं अगर मैं बात करूँ Asus की तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अलग कलर मुझे नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर दोनों की अगर कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है. सो यहाँ पर इस पर जूम कर लेते हैं, यहाँ पर किटकैट के बॉक्स पर, तो यहाँ पर दोनों का कलर थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है. वहीं Asus में मुझे थोड़ा सा नेचुरल कलर लग रहा है, बट रेड को थोड़ा सा ऑफ रेड कर दिया है, बट यहाँ पर Redmi Note 5 में थोड़ा सा इसको ज़्यादा रेडिश कर दिया है, वार्म रेडिश कर दिया है. मैं Redmi Note 5 Pro की बात करूँ, महाशय की टोपी जो है वहाँ पर उस पर नेस्ले लिखा हुआ है, और Asus के ऊपर जाता हूँ तो थोड़ा सा फीका फीका कलर है. वहीं अगर मैं Redmi Note 5 Pro की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा गोल्डनिश कलर आपको नज़र आ रहा है. ब्रिटेन के फ्लैग में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा. ये जो फोटो है वो काफ़ी मायनों में स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. जैसे कि हम बहुत सारे नोट्स इकट्ठा करते हैं अपने फ़ोन में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से क्वालिटी देती है दोनों के फ़ोन में. अगर हम वर्ड्स वाले पिक्चर्स अगर क्लिक करते हैं, हम कोई भी लिखी हुई चीज़ अगर हम कैप्चर करते हैं, तो हमें किस तरह से क्वालिटी मिलती है. तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोनों ही फोटो पर, तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि ये यहाँ पर Redmi Note 5 में काफ़ी अच्छा डार्क डीप ब्लैक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है. वहीं अगर मैं Asus की बात करूँ तो थोड़ा लाइटिश कलर मुझे नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर दोनों में ही आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो वर्ड को. यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा Xiaomi का Redmi Note 5 Pro, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे डीप ब्लैक है और आपको काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है. वहीं अगर Asus की बात करूँ तो मैं काफ़ी क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट है, जैसा नेचुरल कलर आता है वैसे ही वो फोटो लिया है. यहाँ पर Xiaomi इस मामले में काफ़ी इन्हेंस कर देता है, जो भी वर्ड्स रहते हैं उनको काफ़ी डीप ब्लैक कर देता है, उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. वहीं मैं पोर्ट्रेट की बात करूँ तो Asus का जो पोर्ट्रेट मोड है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है. अगर मैं Redmi Note 5 से कंपेयर करूँ तो Redmi Note 5 यहाँ पर काफ़ी वाइट कलर स्किन के ऊपर डाल देता है, वहीं Asus काफ़ी अच्छा नेचुरल कलर इन्हेंस करके लेके आता है, शर्ट को भी ज़्यादा ब्राइट वाइट नहीं किया है. वहीं Redmi Note 5 Pro में यहाँ पर काफ़ी वाइट कर दिया है, तो क्लियर विनर है Asus का Zenfone. सो बात करते हैं HDR मोड की, तो यहाँ पर दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम है, यहाँ पर सेम पत्ते हैं, बट यहाँ पर Asus का जो फ़ोन है जो HDR कैप्चर किया है वो काफ़ी ऑफ कलर कर दिया. वहीं अगर मैं Redmi Note 5 Pro की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी तरीके से उसने क्लिक किया है, और क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है. तो यहाँ पर क्लियर विनर है Redmi Note 5 Pro HDR में. सो यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है Asus Zenfone Max Pro के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा वाइड एंगल में फ़ोटो खींचता है. ये दोनों ही फ़ोटो एक सेम लोकेशन से खींची गई है, मतलब सेम डिस्टेंस है दोनों ही फ़ोटो के बीच में, बट यहाँ पर Asus में ज़्यादा आपको ऑब्जेक्ट कवर नज़र आ रहा होगा बनिस्बत Redmi Note 5 Pro के, क्योंकि यहाँ पर Asus ने ज़्यादा एंगल कवर किया है, वहीं Redmi Note 5 थोड़ा क्रॉप कर दिया है. क्लैरिटी दोनों ही सेम है, स्काई का कलर थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, वैसे कि Redmi Note 5 Pro में आपको यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ब्लूइश नज़र आएगा, और वहीं अगर मैं बात करूँ Asus की तो थोड़ा ग्रेश कलर नज़र आएगा. पिक्चर क्वालिटी दोनों की बेस्ट है, बट यहाँ पर Redmi Note 5 Pro ज़्यादा इन्हेंस कर देता है फ़ोटो को, तो यहाँ पर दोनों ही फ़ोटो काफ़ी अच्छी है. सो हम बात करते हैं इस फ़ोटो की, तो यहाँ पर Asus ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर पिक्चर नहीं खींची है. वहीं अगर मैं Redmi Note 5 Pro की कहूँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से इसने कलर को इन्हेंस किया है, वहीं यहाँ पर काफ़ी ऑफ कलर कर दिया है Asus के Zenfone Max Pro M1 ने. तो ये है Asus Zenfone Max Pro M1 6GB वेरिएंट, जिसका 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है. तो आपको कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी. अगर हम चलते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह से फोकस और वीडियो क्वालिटी, शेडो और लाइट काफ़ी अच्छी दे रहा है फेस पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. ओके,
सो दिस इज द रेडमी नोट 5 प्रो. सो मैं अगर वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों में ही EIS सपोर्ट है, विच मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन. बट यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर EIS वर्क कर रहा है Redmi Note 5 Pro में. ASUS थोड़ा सा लैग हो रहा है, बट यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स हो सकता है. सो यहाँ पर एकदम डार्केस्ट इन्वायरमेंट में मैंने ये पिक्चर्स खींची थी फ्रंट कैमरे के साथ में, तो आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सो ये दोनों ही फ़ोटो काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है, बट ये एक ही स्ट्रीट लाइट के नीचे पिक्चर्स क्लिक की गई है. बट यहाँ पर ASUS में काफ़ी वार्म नज़र आ रहा है और Redmi Note 5 Pro में काफ़ी कूलिश नज़र आ रहा है. तो आपको कुछ इस तरह से क्वालिटी मिलेगी फ्रंट कैमरे की ASUS और Redmi Note 5 Pro में. सो ये एक टावर की पिक्चर्स है जो आपको यहाँ पर डिफरेंट नज़र आ रहा होगा. यहाँ पर Redmi Note 5 Pro में काफ़ी अच्छा यहाँ पर कलर नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पर ASUS यहाँ पर थोड़ा ऑफ कलर कर दे रहा है पिक्चर्स को. यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा वाइड एंगल जो है ASUS का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट को कवर करता है. दोनों ही सेम डिस्टेंस से ली गई फ़ोटो है, बट यहाँ पर मैंने ट्राई किया था कि Redmi Note 5 को थोड़ा सा मैं चेंज करके लूँ, बट यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट कवर नहीं कर पाया. तो आपको कुछ इस तरह से दोनों में ही क्वालिटी मिलेगी. ASUS ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करता है फ़ोटो में, ये आप देख सकते हैं. सो यहाँ पर दोनों ही पिक्चर्स में थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पर Redmi Note 5 में जो ब्लू है काफ़ी डार्क दिखा रहा है, और यहाँ पर जो ASUS में है थोड़ा सा लाइट दिखा रहा है. थोड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, आप कैप्चर कर पा रहे होंगे. Zenfone है वो काफ़ी लाइट प्रोवाइड करता है अपनी इमेज में, सो इसी वजह से थोड़ी सी डिटेल जो है वो रह जाती है. सो इस वजह से ही कुछ पिक्चर्स में आपको वो डिटेल नहीं नज़र आती और कलर थोड़े से ऑफ हो जाते हैं. तो ये आने वाले वक्त में फिक्स भी हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू. फोन मैक्स प्रो का फ्रंट कैमरा है जो कि 16 मेगापिक्सल का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है. नाइट में काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग कर लेते टाइम है, तो आपको कुछ इस तरह से क्वालिटी मिलेगी Redmi Note 5 Pro में जो कि 20 मेगापिक्सल का कैमरा है. सो यहाँ पर नाइट का टाइम है तो दोनों में EIS अवेलेबल है, तो आपको कुछ इस तरह से दोनों में ही क्वालिटी मिलेगी. हालांकि मैं इम्प्रेस हो गया था, जो ASUS का जो कैमरा है काफ़ी अच्छी क्लेरिटी में आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे देता है. इसमें 4K भी सपोर्ट है. सो मैं दोनों ही फ़ोन के सैम्पल पिक्चर्स यहाँ पर अपलोड कर दूंगा जी ड्राइव में, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए ये चैनल को. अगर आपको पसंद आते हैं, मैं इसी तरह के कंटेंट बनाते रहूँगा अगर आपको अच्छे लगेंगे. सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय.